हेलो हेलो आवाज अब पहुंच रही है अब तक आवाज़ अब ठीक आ रही है एक बार बताइएगा प्लीज आवाज़ ठीक पहुंच रही है अब तक ठीक है चलिए अब ठीक है मुझे परिवार से ही पूछना पड़ता है आप लोग जब तक बताते हैं वो तीस चालीस सेकंड का लैग है एक्चुअली तो उसमें समझ में नहीं आता है ठीक है चलिए अब आ रही होगी आवाज़ थोड़ा कुछ इतने सारे उपकरण हैं भाई कि क्या बताएं है? है ना आसान काम नहीं है चलो तो <coughs> मैं कह रहा था कि ये श्री वत्स्य कृष्णा का आर्टिकल है और काफ़ी सुलझे हुए आई अधिकारी रहे हैं तो इन्होंने अमिताभ कांत साहब ने जो एक आर्टिकल लिख दिया था जिसकी बड़ी खिंचाई की गई अमिताभ कांत साहब ने लिख दिया था कि भारत में इंडिया हैज़ टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा लोकतंत्र हो गया है जिसकी वजह से कहीं प्रॉब्लम रिफॉर्म्स को लेकर आ रही है उसमें शेखर गुप्ता से लेकर बहुत बड़ी जमात है सब ने कहा कि लोकतंत्र तो इस देश की आत्मा है और आपने कैसे ये बोल दिया हम चीन से कंपैरेटिव उन्होंने कहा था और क्या उनका कहने का अर्थ था वो सब हम समझते हैं तो उसी बात को आगे बढ़ाया है बड़ा अच्छा आर्टिकल है इसको कुछ देखते हैं दूसरा आज एग्री रिफॉर्म्स पर ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ही एक और आर्टिकल है कि क्या चीज़ें जो राज्यों का जो एक स्वरूप है इस पूरे सुधार को लेकर तो थोड़ा सा पॉलिटी प्लस इकोनमी बेस्ड एक चर्चा है इसको भी देखेंगे तीसरी बात आज करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल की जो पुनः आज काफी कृषि प्रधान हमारा आज चर्चा होगी तो एक ओवरऑल स्थिति ऐसी बन रही है कि वीट को लेकर गेहूं के निर्यात को लेकर भारत एक वैश्विक पटल पर ग्लोबल लैंडस्केप पर भारत की एक बड़ी मजबूत स्थिति बन सकती है ऐसी संभावना बताई जा रही है और अमेरिका का जो एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसकी रिपोर्ट है जो ग्लोबल एक तरह से ग्रेन जो ट्रेड है उसको लेकर होती है तो इस बात को समझेंगे ये प्रलियम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इंडियन एक्सप्रेस में एक और आर्टिकल है सेकेंड uh, पेपर के लिए आप इसको इम्पोर्टेंट मानिए डिफिकल्ट फोर कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट पीटी के लिए भी सवाल इम्पॉर्टेंट है लेकिन बड़ी चर्चा मेंस के हिसाब से करेंगे ये एक ब्रिटिश एक थिंक टैंक कह लीजिए उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें कि डिफिकल्ट फोर कंट्रीज़ के कॉन्सेप्ट में इंडिया को उसमें रखा गया है तो ये क्या संदर्भ है ये डिफ़िकल्ट फोर कंट्रीज़ क्या हैं और भारत इसमें क्यों है उस बात को देखेंगे फिर एक बात इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल की नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा और जयशंकर साहब के साथ आज वो मिले होंगे इसके कुछ संदर्भ हल्के फुलके देखेंगे फिर आज कल से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम इस देश इस देश में शुरू होगा जो तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो उस वैक्सीन लॉन्च को लेकर कुछ इसमें बातें हैं मुद्दे हैं उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कौतूहल की बात भी होती है थोड़ा सा पता भी होना चाहिए फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ही ट्रम्प साहब ने जाने से पहले एक अपनी एच वन एच वन बी वीज़ा को लेकर एक और अपना एक तरह का पासा फेंका है वो पासा क्या है उसको समझेंगे पाकिस्तान में और दुनिया में एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है इन्वायरमेंट से जुड़ा विषय है पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान ने खाड़ी देशों के कुछ अभी दुबई के शाह को और उनके परिव परिजनों को उबारा बेस्ट बस्टर्ड जो होता है उबारा बेस्ट बस्टर्ड एंडेंजर्ड स्पीशी है और इसको इसको एक तरह से इसके शिकार का एक राजकीय उत्सव मनाते हैं ये खाड़ी के जो धनी देश हैं इनके राज परिवार तो पाकिस्तान ने अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ध्वजियाँ उड़ाते हुए क्यों इनको निमंत्रण दिया है इसको इन्वायरमेंट सेंट्रिक एक इशू के तौर पर थोड़ा पड़ताल करेंगे और ये हम कल फिनिश नहीं कर पाए थे इसको भी आज देखते हैं सबरीमाला में जो ये मकरा विलक्कू फेस्टिवल है इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इस बिंदु को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे बढ़ें इससे पहले आपको एक सूचनाडमी के कार्यक्रमों के संदर्भ में दे दू हमारा एक आइकॉनिक जो मेन प्रोग्राम है और उसमें बड़ी संख्या में छात्र इसमें जुड़ रहे हैं क्योंकि छात्रों को तो देखिए प्रतियोगियों को खास तौर से जो नए प्रतियोगी होते हैं अब हम लोगों के साथ तो जो जुड़ाव रखते हैं वो ऑफलाइन के हमारे साथ ही रहे तो वो तो कोचिंग कर चुके हैं उनका एक स्तर बन गया है लेकिन नए बच्चे जिनको शुरुआती दौर में तैयारी के एक दिशा चाहिए होती है एक उनको दृष्टिकोण बनाना होता है और आजकल बहुत शुरुआती समय से ही बच्चे तैयारी करते हैं तो आइकॉनिक हमारा जो प्रोग्राम है जिसका मूल आधार ये है कि हम इसमें हम इसमें बेसिकली देखिए इसका इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसमें आपको एक पर्सनल कोच मतलब हर प्रतियोगी के लिए एक निर्धारित कोच होगा जो आपकी कदम कदम पर कि अब मैंने मैं अपना एक कैलेंडर बनाऊं मैंने मेंस का आंसर लिखा है तो इसको प्रॉपरली कोई चेक कर दे आपका स्टडी प्लानर हो आपके पास एक्सपर्ट गाइडलाइंस हो इन तमाम चीजों को ये आपका इस प्रोग्राम में देखा जाता है ये नॉर्मल प्लस कोर्स में नहीं होता प्लस कोर्स में जो सामान्य सुविधाएं वो होती हैं और इसके साथ साथ आपको डेली लाइव क्लासेज और सारे जो प्लस के बेनिफिट हैं वो मिलते ही हैं लाइव टेस्ट हैं क्विजेज हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ हैं अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और इसके प्राइस हाइक पच्चीस जनवरी से होने हैं तो आप अगर इस अवस्था में हो या आप किसी को जानते हो जिसको इस तरह का सहयोग चाहिए तो उनको आप जरूर इसके लिए बता सकते हैं चलिए वापस आते हैं अपनी बात पर क्या हमको विषय करने हैं क्या हमारी ओवरऑल चलिए तो पहला आर्टिकल श्री वत्स कृष्णा का जो आई अफसर हैं और हालांकि एक आई अफसर रहते इतनी स्ट्रॉन्ग किसी सरकार या किसी नेता के पक्ष में बात करना ये आसान नहीं है लेकिन श्री वस्तु कृष्णा हमेशा से जाने गए अपने एक बहुत ही बेलॉस कहते हैं ना बेलॉस एकदम बेखौफ अधिकारी ईमानदार अधिकारी जो होता है वो होता ही है देखिए इस पूरे आर्टिकल का लब्बो लवाब क्या है दो शब्द हैं एक है डेमोक्रेसी एक शब्द है डेमोक्रेसी जो बेहद पवित्र पावन पुनीत इसके ऊपर किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है सब जानते हैं इसी के साथ खेला जाता है भारत में एक और अलग तरह की राज व्यवस्था की दिक्कत है कि कुछ शब्द गढ़े गए और फिर उनके मंदिर बना दिए गए और फिर उसका एक खास मॉडल भी दिखाया गया जैसे डेमोक्रेसी जैसे सेक्युलरिज्म इस पर तो कुछ बात ही नहीं हो सकती ये जड़ता नहीं चाहिए क्योंकि ये सब बड़े गत्यात्मक और बड़े ही संभावनाशील विषय हैं, इनमें हमेशा चर्चा की गुंजाइश रहती है डेमोक्रेसी और एक है शब्द मोबोक्रेसी मोबोक्रेसी ठीक है डेमोक्रेसी पर हमें इकबाल साहब का इकबाल जानते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो इकबाल साहब का एक कथन है एक बयान है उसको भूलना नहीं चाहिए इकबाल ने कहा था डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र लोकतंत्र को उर्दू में कहते हैं जमहूरियत जमहूरीत तो उन्होंने कहा था जमहूरीत वो तर्ज़ हुकूमत है तर्ज हुकूमत मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है जमहूरीत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें सिरों को गिना जाता है सिरों को गिना जाता है किसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया फर्स्ट पास कहते हो जमहूरियत वो तर्ज सिरों को गिना जाता है तोला नहीं जाता समझिएगा इस बात को आई होप इतने समझदार आप सब लोग हैं कि इसको समझ पाएंगे ये डेमोक्रेसी पर एक क्रिटिकल क्योंकि इकबाल मतलब मोर और लेस थोड़ा कम्युनिस्ट रुझान के थिंकर uh, थे विचारक थे कभी शायर जो कहें उनको तो ये प्रॉब्लम तो देखिए हमेशा रही है लोकतंत्र में सौ में से भाई जिसको सबसे ज्यादा मैं इक्यावन भी नहीं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट में है कि बहुमत लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो ऐसा है नहीं अगर दस लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से बस एक वोट ज्यादा चाहिए और वो चुन लिया जाता है है ना दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा मानना है मैं कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ इसके ऊपर लेकिन कई लोग ऐसे रहे कम्युनिज्म इसको मानता है कि ये बेकार है इसमें कोई उस तरह का कोई लाभ नहीं है और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ आप गवर्नमेंट आपको ये विचार लेकर मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जाम के लिए विचार वैसे भी ये बेस्ट विचार आपका होना चाहिए लेकिन डेमोक्रेसी में क्योंकि जनता का शासन है जनता के लिए है जनता के द्वारा है तो ये कभी कभी मोबोक्रेसी बनने की कोशिश करता है मोबोक्रेसी का मतलब क्या है कि 130 करोड़ का देश है तो 30-35 करोड़ जो भी है जो भी मान लीजिए अब 130-35 करोड़ में मान लीजिए अगर एक लाख लोग जो कि परसेंटेज में देखिए तो कुछ भी नहीं हुआ एक लाख लोग आ, अगर लोग आकर कहीं दिल्ली के आसपास बैठ जाएं और कहें कि भाई ये जो संसद ने जो कानून बनाया ये कानून हमको मजा नहीं आया है ना हम इस कानून को नहीं मानते और ये कानून बदलना होगा और फिर उसके पीछे पूरा इको काम करे खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कई देशों के प्रधानमंत्री कई देशों के बड़े मंत्री वो सब जो है वो एक पूरा सिस्टम चूँकि फैला हुआ है तो वो सब जो है टिप्पणियाँ करने लगे वो करने लगें तो ये डेमोक्रेसी विरोध डेमोक्रेसी की आत्मा है सरकार कोई भगवान नहीं है सरकार जो कुछ कर रही है उसका विरोध किया जा सकता है ये एक तरह से फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी में लेकिन विरोध करना अपनी बात को सामने रखना न्यायालय तक अपनी बात को लेकर जाना मीडिया तक अपने विरोध को हर उच्चतम स्तर पर पहुंचाना ये सब जायज है लेकिन जब ये धीरे धीरे एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि इसकी जो लक्ष्मण रेखाएं हैं वो बड़ी ही पतली हैं कब ये एक मोबोक्रेसी बन जाती है कमज़ोर दिल की सरकार अगर हो तो ये मोबोक्रेसी भाई कोशिश ये आदमी इसीलिए तो बीच में राह में खड़ा हुआ है कि ये लोग कहते हैं कि हम कुछ भी करते हैं ये डरता ही नहीं है घबराता ही नहीं है अल्टीमेटली हमको आ, पीछे हम हमें हटना पड़ता है ठीक है तो बेसिकली आप विषय के तौर पर इन दो शब्दों के साथ खेलिए श्री वस्त कृष्णा पूर्वाए स्टॉपर इन्होंने इन्हीं दो शब्दों के बीच वर्तमान जो ये कृषि विरोध चल रहा है इसको लेकर अपनी बात रखी है और मैं गुजारिश ये करूंगा कि देश अभी इस वक्त दो बड़े मजबूत खांचों में बटा हुआ है एक वो वर्ग है जिसको जो व्यक्ति देश अभी चला रहा है प्रधानमंत्री है उसको वो ठीक लग रहा है कि ये ठीक है लेकिन दूसरा वर्ग ये भी है जो कुछ भी करें खराब लगता है आप उसमें से किसी भी वर्ग के हों वो वर्गीय निष्ठा अपने पीछे रखिए अभी आप एग्ज़ाम के हिसाब से देखिए कि डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी के बीच हम झूल रहे हैं और इसमें जो हालिया संदर्भ है उसको लेकर हमें कैसे काम करना चाहिए उसके लिए कुछ बड़ी अच्छी बातें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इन विचारों को समझें थोड़ा सा गहन विषय है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ठीक है सुनने वाला विषय है तो मैं नेपथ्य में जा रहा हूं और मेरी कमेंट्री चलेगी आप इसको सुनकर समझने का प्रयत्न करें तो शुरू में लेख जब शुरू होता है तो उसमें भाव उस तरह से आता है कि जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो श्री वस्तु कृष्णा ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा था कि मोदी साहब का काम वही है जो किसी समय में मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन में किया था अब ये जो थैचर नॉमिक्स है एक दूसरा शब्द दे रहा हूं थैचर नॉमिक्स इस पे बात करेंगे एक फरवरी के बाद ठीक है एक फरवरी के बाद एक फरवरी को क्या है बजट है और बजट जो इस बार का है वो जो सारी संभावनाएं हैं, वो ये कि उसमें वही जो मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन में किया था उसी के आसपास उसी के जैसी चीजें हो सकता है आपको कुछ दिखे तो इंडिया में मोदी और थेचर के बीच जो संयोजन होने वाला है उसकी एक पहल भी हो सकता है आपको बजट से दिखे जो तो थैचर की स्टाइल में जो ब्रिटिश इकोनमी में जो रेवोल्यूशन आया था वैसा सा काम मोदी साहब को यहाँ करना है और लेखक लिखता है कि मुझे कुछ हद तक ये बिल्कुल संतुष्टि है कि मैं सही साबित हुआ हूँ ज़्यादातर मसलों में कुछ मामलों में गलत भी मैं साबित हुआ सरकार उतना सक्षम काम नहीं कर पाई मोटे तौर पर मैंने जो उनके सत्ता में आने पर लिखा था क्योंकि इन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है तो मेरी बातें मोटे तौर पर सही रही हैं और मैं ये भी देख पा रहा हूं इस देश में कि मार्गरेट थैचर को जिस तरह की चुनौतियां अपने देश में उन बदलावों को लेकर करनी पड़ी थी वैसी ही चुनौतियां भी कही कहीं ना कहीं मोदी साहब के सामने दिख रही हैं ठीक है थीके? बाकी फिर राजनीतिक टिप्पणियां थोड़ी सी हैं इसमें हम नहीं फंसेंगे वो आगे लिखते हैं कि ओपोनेंट्स को उनके विरोधियों को लगता था कि कैसे उनको आ, इस तरह के विरोध विरोध से डिगाया जा सकता है लेकिन अनुच्छेद 370 पर डिमोनेटाइजेशन पर जीएसटी पर माइग्रेंट्स क्राइसिस पर और उसके बाद अभी लेबर कोड आया और बहुत सारे सुधारों की बातें हुई वो जो उनको उचित लग रहा है उनकी टीम को वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं क्योंकि देश ने उनको काम करने का मैंडेट दिया है अब फिर वो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फार्म लॉस को स्टिक करने का जो फैसला आया उसके संदर्भ में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं हमने वो विषय अलग से किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आचरण रहा उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और उसमें बार बार जाने का मतलब नहीं है लेकिन वो ये कहते हैं श्री वत्स कृष्णा कि कोर्ट्स को ये समझना होगा इस बात का परीक्षण करना होगा कोर्ट्स का ये काम है कि वो जो भी कानून संसद बना रही है कार्यपालिका बनवा रही है उस कानून के हर फुल स्टॉप कॉमा को मतलब छोटी छोटी बातों को भी उसकी संवैधानिकता के लिए उसका परीक्षण करे ये कोर्ट का काम है अधिकार है उसका दायित्व है लोकतंत्र की रीढ़ में ये चीज शामिल है ठीक बात है लेकिन क्या उनको इस तरह के आचरण को कहीं से समर्थन देना चाहिए कि कानून की संवैधानिकता पर तो आपने कोई चर्चा करी नहीं आप कुछ कमी निकाल नहीं पाए आपने खाली कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं अब भाई इस देश में किसानों की तादाद कितनी है और क्या जो विरोध चल रहा है इसके बेसिस पर यह माना जा सकता है कि देश का हर किसान जो है वो इन कानूनों को समझता भी है और उसको लगता है कि ये हमारे हमको खत्म करने के लिए है कोई भी आप में से इसका समर्थन नहीं कर पाएगा और फिर यहीं पर मोबोक्रेसी आ जाती है कि आप एक मान लीजिए पचास हजार एक लाख दो लाख पांच लाख हिंदुस्तान की आबादी को देखकर ये नंबर क्या है आप इससे पहले भी हुआ है आपने देखा होगा बॉम्बे में आपको याद हो अगर वो एक यात्रा निकली थी ठीक है तो सवाल है कि ये अगर आचरण सुप्रीम कोर्ट का रहता है कि आपने कुछ लोग नाराज हुए उसके बेसिस पर आपने उस कानून की संवैधानिक व्याख्या मीमांसा करे बिना आपने उसको स्टे कर दिया तो आप कहीं ना कहीं इस मोबोकृति के प्रभाव में हैं और क्या ये इस देश की राजव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक और एक बड़ा एक आधार बनेगा यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है और श्री वश्री कृष्णा इस मुद्दे पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं ठीक है अब बड़े बड़े जो विधि के जानकार हैं उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट का, का काम ये नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर एक कमजोर एक संवैधानिक परिपाटी यहाँ पर निर्मित करी कि हम फार्म लॉज को सस्पेंड कर रहे हैं बिना उस पर कोई संवैधानिक उसके उल्लंघन का आरोप लगाए हुए सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हमने कमेटी बना दी उनसे बात करो और उनको समझाओ और कमेटी को लेकर भी फार्मर्स का जो आचरण है तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी भारत की राज्य व्यवस्था का एक मुद्दा है और विधिक जानकार कहते हैं कि न सिर्फ विधायिका का बल्कि कार्यपालिका का भी जो मूल कार्य क्षेत्र है उसमें डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हमें दिखता है एक ये बिंदु उनके लेख में आता है अब फिर उसके बाद वो थोड़ा और खतरनाक मोड में जाते हैं श्री कृष्णा और ये भक्त नहीं है मैं बता रहा हूं आपको वो आगे लिखते हैं कि अगर मान लीजिए जो दूसरा पक्ष है जो अंधभक्त हैं सरकार के अगर उनको ये आह्वान कर दिया जाए कि दिल्ली आना है पचास दिन के लिए और बैठ जाना है दंगे धरने पर और ये कहना है कि भाई सेक्युलरिज्म जो शब्द है संविधान से इसको हटाना है ये शब्द हमको नहीं जमता ठीक है भारतीय सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में ये सेक्युलरिज्म शब्द ये यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है वैसे भी मूल संविधान में नहीं था बाबा साहब और ऐसे ऐसे विद्वान लोग थे उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें ये सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था ये तो आपातकाल में आपने संविधान संशोधन करके इसको डाला है अब उससे ज्यादा बहुमत की सरकार है उससे ज्यादा जागृत देश है तो सेक्युलरिज्म हमको नहीं मांगता आकर पचास लाख लोग तो बैठ जाएं दिल्ली के चारों ओर घेर कर क्या सुप्रीम कोर्ट इसी तरह का आचरण दिखाएगा क्या कमेटी बनेगी क्या उन ठंड में ठिठुरते जब वहाँ पे भी दादियाँ ला कर बिठा दी जाए छोटे छोटे बच्चे चार पांच आदमी जब भाई जब पाँच लाख आदमी होगा तो जो भारत में मृत्यु दर है तो हफ्ते दस दिन में दो तीन लोग बुजुर्ग जो हैं संभावना है कि उनकी दुखद मौत हो जाए अब उसको अगर मीडिया में हाईलाइट करके छापा जाए तो क्या ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट को उसी तरह विचलित करेंगी जैसे आपने यहाँ पर किया है सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत सही और गलत ये तो अपने आप में इसको कैसे देखना है कैसे टटोलना है इसके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है अब उन व्यवस्थाओं का आप सम्मान नहीं कर रहे कानून बनाने का काम संसद का है विपक्ष संसद में कानूनों की धज्जियां उड़ा सकता है उसकी कमियों को बता सकता है लेकिन वो सारा काम संसद के बाहर करते हैं ठीक है संसद में सत्र नहीं हो रहा है इसका विरोध करते हैं जब सत्र होता है तो नजारत रहते हैं सब ठीक है किसी न किसी मुद्दे पर बाहर प्रोटेस्ट में बैठेंगे और जिस चीज पर 20 साल डिस्कशन हुआ दर्जनों समितियां बनी जब यही सत्ता में थे तो उन्होंने यही एपीएमसी को हटाने के प्रस्ताव दिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी लाभदायक है इस पर प्रवचन दिए वही कानून बन गया तो आप मोबोक्रेसी पर आ गए ये आचरण देश के लोकतंत्र के लिए कम से कम ठीक नहीं है और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट जैसा न्यायपालिका उच्च न्यायपालिका जैसी अगर संस्था अगर इस पर इस तरह का आचरण करती है तो फिर थोड़ा सा हमें विचार करने की ज़रूरत है और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो बो रहे हैं कल को तो वही काटेंगे ये जो आचरण आपने बना दिया कि आप किसी भी विषय पर कानून को रोकने के लिए आप शहरों में बीस पचास हजार आदमी बिठाकर अगर सोचते हो कि वो कानून रोक दोगे तो कल को आप भी सरकार में आओगे और जो संख्या बल है देखिए एक चीज़ आपको निश्चित बता रहा हूँ कि इस देश में करीब चालीस फीसदी जो आबादी है वो अपना मन बना चुकी है कि वो किस तरफ आप कोई भी और अंक गणित लगा लो किसी भी आधार पर इसीलिए सब चुनावों में जो परिणाम आ रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं ठीक है तो अब जैसे पहले का मतलब आप देखिए केरल में कम्युनिस्ट सरकार को धार्मिक और बाकी चीजें याद आ रही हैं है ना तो ये सारे आधार लेते हुए हमारा लोकतंत्र तभी स्थिर मजबूत रहेगा जब आप उसको लोकतांत्रिक सही भावना से आगे चलाएंगे उसको मोबोक्रेसी से अगर आप रूल करने की कोशिश करेंगे तो आगे के लिए स्थितियां और भी खराब हो सकती है ये पूरा इनका संदर्भ था और हमें डेमोक्रेसी को भरपूर समर्थन देते हुए भी मोबोक्रेसी का जो भाव कहीं डेवलप हो गया है उसको डेफिनेटली हमको थोड़ा सा देखना चाहिए उसकी तरफ हमको देश को नहीं ले जाना चाहिए ठीक है तो ये पूरा इनका आधार था और इस बात को आप देख सकते हैं काफी क्रिटिकल लिखा है काफी आहत श्री वत्स कृष्ण लिखे और आहत होना भी चाहिए हम सब कहीं ना कहीं आते हैं इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए उनका कोई बहुत मतलब नहीं है मैं राजनीतिक टिप्पणियों से इसमें बचना चाहता हूँ पर इस बात को आप देख सकते हैं ये सारा जो आधार जो उदाहरण है इसको मैं थोड़ा सा आपके समक्ष और रखता हूँ श्रीवस्त कृष्णा ने एक उदाहरण दिया कि क्योंकि सारी बात कहाँ से शुरू हुई थी कि चाइना क्यों विकास की लड़ाई में हमसे आगे निकल गया ठीक है बहुत आगे निकल गया तो कारण वही है अमिताभ कांत को सब ने घेर तो लिया कि अमिताभ कांत डेमोक्रेसी पर बात कर रहे हैं हम सब इस बात को जानते हैं कि जिसे हम डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा कोई वो समझ रहे हैं वो बेसिकली मनमाना तंत्र भी है कि भाई देखिए अब कई चीज़ें हैं कई झुग्गी बनी हुई है सरकारी मान लीजिए ज़मीन है खूब बड़ी सरकार वहाँ चाहती है कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आए झुग्गियां बनी हुई हैं हम सब ने अपने शहरों में देखा है रेलवे की ज़मीन है उस पर कब्जे हैं पूरे अब सवाल है कि जो वहाँ रह रहे हैं वो भी इंसान है कोई नहीं चाहेगा कि भाई उनको उन झुग्गियों में से वैसे ही वहाँ अमानवीय स्थितियों में जी रहे हैं लेकिन देश आगे कैसे बढ़ेगा अगर वहाँ कुछ मान लीजिए प्रोडक्टिव चीज़ बननी है तो वो झुग्गियां खाली होंगी तभी तो बनेगी आप उनको अन्यत्र कहीं अब देश के पास क्या इतने संसाधन हैं कि उन सबको कहीं वन बी का बढ़िया फ्लैट बनाकर पहले वो ट्रांसफ़र किया जाए उसके बाद वहाँ बने ये सब व्यावहारिक दिक्कतें हैं लेकिन उनको कहीं वैकल्पिक और दूसरी जगह उसी तरह कुछ कच्चा झुग्गी जैसा ही कुछ मकान बनाकर उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए और वो ऑब्वियसली कहीं प्रौ... मेन प्रॉपर्टी में ऐसा हो नहीं सकता अब वो वहीं अगर काम करते हैं कहीं बीचों बीच आबादी के कहीं झुग्गी बनी हुई है ये सब चीज़ें आप कलेक्टर बनेंगे कल को तो आपको व्यावहारिक तौर पर भी ये दिक्कतें आएंगी तो सवाल है कि हमारे यहाँ इतने संगठन आ जाएंगे कोर्ट चले जाएंगे लोग सब चीज़ें सारे अधिकार हैं और हम उन अधिकारों का सम्मान करते हैं लेकिन चाइना में क्या अगर ऐसी स्थिति हो तो ये होगा इस बात को समझने के लिए ये एक केस स्टडी है जो वत्स कृष्णा ने एक उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे मैकेजी की कॉन्फ्रेंस थी तो वो गए हुए थे इसलिए क्योंकि उन्होंने हैदराबाद में जो साइबराबाद बना उसके लिए वत्स कृष्णा की बहुत बड़ी भूमिका है ही वॉज द ऑफिसर जिन्होंने पूरा इसको मैनेज किया और चीन में जो शंघाई में जो क्लस्टर्स बने शंघाई जो चमचमाया उसके लिए जो उत्तरदायी अधिकारी था उसको भी बुलाया हुआ था मैकेजी वालों ने दोनों से पूछा गया आपके अनुभव क्या हैं जो आपने इतना बड़ा परिवर्तन किया तो जो चीनी अधिकारी था देखिए उसने क्या बताया कि हमें जब हमको डेवलप करने थे ये रीजन तो चीन की सेना वहाँ गई और उसने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब गोले बना दिए जिसमें लाल येलो और ग्रीन कलर था ग्रीन कलर में जो गोले हैं मतलब वहाँ पर आप कुछ रहते हैं कुछ काम करते हैं तो कर सकते हैं रेड में आपको तुरंत खाली करना है एक महीने का समय आपको बाहर जाना है अब सोचिए एक महीने में वो पूरा क्षेत्र इसी परिपाटी में सब बदल गया सब खाली करके चले गए क्योंकि सेना एक महीने बाद आती तो क्या करती आपको पता है भारत में जब साइबराबाद के लिए इसी तरह जो अवैध कब्जे थे और जो जमीन एक्वायर करनी थी उसका काम हुआ तो सैकड़ों कोर्ट केसेस लड़ने पड़े और एक उन्होंने उदाहरण लिखा है कि आप जानते हैं हैदराबाद में भाइयों का शासन है है ना तो वहाँ पर वो भाई और उनके परिवार ने सरकार की बहुत बड़ी जमीन पे कब्जा करा हुआ था और वो इसमें अड़ गए कि ये निजाम के समय की लेख है और इससे हमारा जो हमारे पास इसके कागज़ हैं पट्टे हैं आप सोचिए ये अंतर है भारत और चीन की कार्य संस्कृति में मैं ये नहीं कह रहा हूं हमको चीन हो जाना है ये बिल्कुल मत सोचिएगा चीन में लोकतंत्र तो खैर क्या ही है चीन आदर्श नहीं है लेकिन हम अपने इसी लोकतंत्र को क्या इस भाव से कि ये हमारा देश है और हमें जिसको हम सरकार बनाते हैं जो संसद में पहुंच गया कानून बनाने के लिए अगर हम उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे हम उसके हर काम में अगर बाधा अटकाना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो मोबोक्रेसी है और फिर वो आगे तक चलेगी और फिर वो भारतीय लोकतंत्र के लिए शायद कहीं ज्यादा बड़ा खतरा होगी तो इस बात को पूरा इस लेख में रखा गया उस बात को समझिएगा चलिए दूसरा विषय भी, भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ले रहे हैं विषय मुद्दा वही है लेकिन संदर्भ अलग है इन कृषि सुधारों कृषि कानूनों के संदर्भ में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मनोज पंत साहब जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर भी हैं आईआईएफटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बड़ी प्रसिद्ध संस्था है देखते हैं एग्री रिफॉर्म्स पर ये हमसे क्या बात कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए लहजे में आप इनकी बात को समझेंगे मूल जो चर्चा या जो मूल प्रश्न है ये कहते हैं कि सरकार ने इस बात को सही आर्ग्यू किया है कि जो नए कृषि कानून हैं ये बेसिकली जो वर्तमान में जो कृषि पद्धतियाँ हैं जो प्रैक्टिस हैं उसको कोडिफाई करता है ठीक है लेकिन जो आर, आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ हैं कानूनों के उनको ये कहना है कि भाई जो स्टेटस को है जो यथास्थिति है उसको ये कानून बदल रहे हैं छोटे कृषकों को खास तौर से बड़ी इसकी मार होगी उनके हित इससे काफ़ी प्रभावित होंगे और मूलतः जो असहमति है डिसएग्रीमेंट है वो एक एमएसपी के मुद्दे पर है और एक मंडियों के मुद्दे पर है मंडियाँ बहुत गिने चुने नाम मात्र के राज्यों में प्रभावी रही पंजाब हरियाणा में ही इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसीलिए मंडियों का मुद्दा बहुत छोटी संख्या में कृषकों को प्रभावित करता है ठीक है इसीलिए हम ओवरऑल इन कृषि सुधारों पर जो विरोध देख रहे हैं उसका भी मूल स्वर इन्हीं राज्यों से आप तक